YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि हमारी जो कहानी चल रही है नल पुराण इतिहास, इसके लिए आपको अलग से जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारे समस्त वीडियो मिल जाएंगे। कुछ श्रोता कमेंट करते रहते हैं कि सर दूसरा भाग डालिए, तीसरा भाग डालिए, जबकि उन भागों को मैं डाल चुका होता हूँ। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और भाग एक से, एपिसोड एक से जहाँ तक मैंने डाले हैं वो सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे। मैंने कहानी, किस्सा और नलपुराण इतिहास से संबंधित कई प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट खोलें और प्लेलिस्ट में आपको एक जैसे संबंधित समस्त वीडियो एक स्थान पर मिल जाएंगे और वहां जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी राजा नल, नल पुराण इतिहास, और उसके तीन एपिसोड में आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और चौथा एपिसोड आज लेकर के मैं उपस्थित हूं। मैंने तीसरे एपिसोड में बताया था कि राजा नल और उसकी माता मंझा रानी को दक्षिणपुर का एक लच्छी सेठ अपने यहाँ ले आता है, और जब राजा नल का दशोटन किया, जन्म उत्सव मनाया, तो उस उत्सव में नरवरगढ़ नरेश महाराज प्रथम को भी आमंत्रित किया गया, और महाराज प्रथम उस समारोह में भाग लेने के बाद पछताते हुए, सोचते हुए अपनी राजधानी नरवरगढ़ लौट जाते हैं। इधर राजा नल अपने साथी बच्चों में खेल रहा है दक्षिणपुर में और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब देखिए श्रोताओं, राजा नल तो एक क्षत्रिय का बेटा था और वो बनियाओं के लड़कों के साथ खेल रहा था, सेठों के लड़कों के साथ खेल रहा था। तो सेठों के लड़के तो बनाते थे तराजू, बांट, 100 ग्राम 200 ग्राम की जो बांट होते हैं, 1 किलो का बांट, ये ऐसा खेल खेलते थे। जबकि राजा नल धनुष बाण बनाता था, धनुष विद्या सीखता था, तलवारबाजी सीखता था, और जो क्षत्रियों के कर्म होते हैं घुड़सवारी सीखता था, ऐसे खेल खेल रहा था। कभी किले बनाता, किलों को तोड़ता, सेनाएं बनाता और उन पर आक्रमण कराता। इस तरीके से राजा नल सबसे अलग खेल खेलता था। अब देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे कई वर्ष व्यतीत हो गए और राजा नल 13 साल का युवा हो जाता है। अब उसके दो मामा थे, जो लच्छी सेठ था उसके दो पुत्र थे फूलचंद और पन्नालाल। अब वो दोनों विदेशों में व्यापार किया करते थे। एक दिन की बात है कि फूलचंद और पन्नालाल दोनों व्यापार के लिए चले जाते हैं। जब वो दूसरे देश में पहुंचे तो उससे पहले उन्हें एक वन मिल गया, एक जंगल मिल गया। समुद्री क्षेत्र होते थे तो वहां दलदली भाग और वन बहुतायत में मिलते हैं। उस वन में एक दाना रहता था जिसका नाम था घुमासुर, और उस घुमासुर का जो किला बना हुआ था उस वन में बना हुआ था। उस घुमासुर दाने की एक परम सुंदरी, जो देव अप्सराओं को भी लजाती थी, ऐसी एक सुंदर कन्या जिसका नाम था गजमोतनन, बड़ी सुंदर थी, रूपवान और विवाह के योग्य 15-16 साल की युवती। अब वही घुमासुर दाने की पुत्री उसी समुद्र पर स्नान करने के लिए आ जाती है। अब देखिए श्रोताओं, उधर बनियाओं का जहाज चला जा रहा है। पन्नालाल और फूलचंद अपना जहाज जिसमें सामान भरा हुआ है, और उधर ही वो चले जा रहे हैं, और उस समुद्र के तटीय क्षेत्र पर वो दाने की लड़की, घुमासुर दैत्य की लड़की स्नान करने के लिए आती है। और वहां उस क्षेत्र में कोई रहता तो था ही नहीं। उस लड़की ने अपने वस्त्रों को उतारा, वस्त्र उतार करके पार पर रख दिए। वो एक चौसर का खेल भी खेलती थी जिसकी गोटी थी, 16 गोटियां होती हैं, उन गोटियों को भी साथ लेकर वो चलती रहती थी, जहां जाती उन्हें साथ ले जाती।
तो वो गोटियां भी साथ लाई थी और उसी तट पर नग्न होकर के स्नान कर रही है। और उधर जब बनियाओं का जहाज आया उस तट की तरफ जहां वो गजमोतनी स्नान कर रही थी, तो लड़की ने देखा कि इधर कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति चला आ रहा है, कोई मनुष्य चला आ रहा है। तो लड़की जल्दी से उस पानी से निकली और निकल करके अपने वस्त्र उठाए, कुछ पहने आधे अधूरे, और जल्दबाजी में उसकी एक गोट और एक मोचरी, मोचरी होती है जो पैर में पहनी जाती है, एक मोचरी वहां रह जाती है और एक गोट रह जाती है, और वो जंगल में भाग जाती है, चली जाती है लड़की अपने महल को। और अपने महल में जाकर के लड़की तो आराम से सो जाती है, उसे यह ध्यान भी नहीं रहता है कि मेरी एक मोचरी और एक गोट कहीं खो गई है। इधर जब बनिया वह आए तो आपस में दोनों भाई बात करने लगे कि भाई एक परम सुंदरी लड़की यहाँ स्नान कर रही थी, लड़की बड़ी सुंदर थी, ना जाने कहाँ चली गई। उन्होंने जहाज का लंगर डाल दिया, जहाज को खड़ा कर दिया और वो तट पर उतरे तो देखा कि वहाँ एक बड़ी सुंदर मोचरी पड़ी हुई है जिसको पहना जाता है, पैर में पहनते हैं मोचरी को, एक मोचरी पड़ी हुई है और एक गोटी पड़ी हुई है जो स्वर्ण से जड़ित है, सोने से जड़ी हुई है। बनियाओं ने उस मोचरी को और उस गोट को उठा लिया और मन में विचार करने लगे कि कितनी सुंदर गोट है, कितनी सुंदर ये मोचरी है। और दोनों भाई मन में विचार करने लगे कि भाई ये तो महाराज प्रथम के लिए भेंट में देने लायक वस्तु है, हम दोनों चलते हैं अपने देश को और महाराज प्रथम को इस मोचरी और इस गोट को भेंट में देंगे। श्रोताओं, जब किसी पर कोई विपत्ति आती है तो वो कहकर नहीं आती। पन्नालाल और फूलचंद बड़े खुशी होते हैं और उस मोचरी और गोट को उठा लेते हैं, अपने पास बड़े इंतजाम से रख करके दोनों जहाज वापस लौटा देते अपने देश के लिए। और कुछ समय में, महीने दो महीने का सफर करके, यात्रा करके आ जाते दक्षिणपुर की सीम में। जहाज को समुद्र के तट पर छोड़ दिया जाता है और दोनों अपना सामान गाड़ियों में लाद करके चले आते हैं दक्षिणपुर। दक्षिणपुर में आने के बाद दोनों भाइयों ने अपना सामान उतारा और सामान उतार करके घर विचार विमर्श करने लगे। अपने पिता लच्छी सेठ को बताया कि देखिए हम कितनी सुंदर वस्तु लेकर के आए हैं, ये कितनी सुंदर मोचरी है और कितनी सुंदर ये गोटी है, यदि हम इस गोट को महाराज प्रथम को भेंट में करें, महाराज प्रथम के पास इस मोचरी को और इस गोट को भेंट में पहुंचाएं तो ना जाने राजा हमें कितना इनाम देंगे, हमें फिर व्यापार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोभ में आ जाते हैं बनिया, पन्नालाल और फूलचंद। श्रोताओं, दोनों सेठ मन में विचार कर अपने पिता से विचार विमर्श करके चल देते नरवरगढ़ को महाराज प्रथम के पास। और महाराज प्रथम के दरबार में पहुंचकर देखा तो महाराजा प्रथम का दरबार लगा हुआ है, सात हाथ के सिंहासन पर महाराजा प्रथम विराजमान है और उनके सामंत, सूरमा और जो दरबारी थे वो भी वहां विराजमान हैं। भरी हुई सभा में दोनों सेठ पन्नालाल और फूलचंद पहुंच जाते हैं और महाराज प्रथम से हाथ जोड़ करके निवेदन करके पन्नालाल और फूलचंद सेठ ने एक थाल में सुसज्जित करके उस गोटी को रखा और उस मोचरी को रखा और महाराज के दरबार में प्रस्तुत हो गई। पहुंच जाते हैं राजा वीरसेन के दरबार में और राजा वीरसेन से कहने लगे कि हे महाराजा, हे राजन, हम आपकी सेवा में कुछ भेंट देने आए हैं, हम एक अद्भुत वस्तु लेकर के आए हैं, ऐसी वस्तु आज तक हमने नहीं देखी, हे राजन आप इसे स्वीकार करें। तो राजा प्रथम ने देखा, वास्तविकता में भेंट बहुत सुंदर थी, परंतु श्रोताओं एक कहावत है, राजा जोगी अगंजल इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो परशुरामते थोड़ी राखे प्रीत। अर्थात राजा जोगी, जोगी कहते हैं सन्यासी को,
अग्नि और जल, इनकी हमेशा उल्टी रीति होती है। ये छोटी सी बात पर प्रसन्न भी जल्दी होते हैं और क्रोधित भी छोटी सी बात पर हो जाते हैं। न जाने कितना बड़ा दंड देने में सक्षम होते हैं ये। इसलिए इनसे बचकर रहना चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी से प्रीति नहीं करते, प्रेम नहीं करते। तो जब राजा ने ये देखा कि कितनी सुंदर गोट है, कितनी सुंदर ये मोचरी है, तो दोनों बनियाओं को बुलाया, पन्नालाल और फूलचंद को, और दोनों से कहा कि सेठो ये बताओ, ये गोट कहां से आई, ये मोचरी कहां से आई, कहां से लाए तुम इसे? तो दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। राजा कहने लगा कि ध्यान से सुनो, या तो इसके साथ की मोचरी और 15 गोट लेकर के आओ, और या फिर इनको पहनने वाली भी लेकर के आओ, और जाइए, तुम्हें 6 महीने का समय है। यदि 6 महीने के समय में तुम इन गोटों को पूरा नहीं कर सके, 16 गोट होती हैं, 15 गोट लानी है, और ये मोचरी का जोड़ा पूरा नहीं कर सके, दूसरी इसकी साथ की मोचरी नहीं ला सके, तो आपको परिवार सहित फांसी की सजा दे दी जाएगी। श्रोताओं, सेठों के पैरों तले से जमीन निकल गई, मुंह लटक गए सेठों के, होश उड़ गई, और मन में विचार करने लगी, महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि महाराज हम इन्हें कहां से ला सकते हैं। तो राजा तो सुनने वाले नहीं थे, आदेश जारी कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, 6 महीने का समय है, यदि तुम्हें तुम्हारे परिवार को बचाना है तो 6 महीने के भीतर भीतर तुम्हें ये मोचरी लानी होगी इसके साथ की, और 15 गोट लानी होगी, अन्यथा आप जीवित नहीं बचोगे, जाइए मेरे दरबार से, भाग जाइए। श्रोताओं, दोनों सेठ मुंह लटका करके, बड़े दुखी होकर के दक्षिणपुर आ जाते हैं। आ गए दक्षिणपुर में और आकर के विचार विमर्श करने लग गए। सेठों के पैरों तले से जमीन निकल गई और उनके घर में भोजन बनना बंद हो गया। सेठ रोने लगे, विचार करने लगे कि यदि हम उन गोटों को और मोचरी को महाराज के पास ना ले जाते तो हमारा परिवार तो जीवित रहता। इनाम लेने गए थे, लेकिन इनाम के बदले मृत्युदंड ले आए, और वो भी संपूर्ण परिवार के लिए। हे श्रोताओं, अब तो लच्छी सेठ भी बड़ा दुखी हुआ, उन्हें बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, बनियाओं की हवा निकल जाती है और वो बेचारे बोलना तो दूर खटिया पकड़ लेते हैं, और मन में विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, अब हमारी इस राजा प्रथम से जान कैसे बचे, भगवान का ध्यान धर रहे हैं। जब बनियाओं को कई दिन दुखी भी व्यतीत हो गए, तो देखिए श्रोताओं, वहीं राजा नल भी रहा करता था। राजा नल की उम्र भी 16 साल की थी, एक युवा हो गया था, भुजाओं में बल था, अतुलित शक्ति थी राजा नल में। और राजा नल ने जब ये सुना कि उसके मामा बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, कई दिन से भोजन नहीं खा रहे हैं, और यहां तक कि भोजन बन भी नहीं रहा है, तो राजा नल अपने मामाओं के पास पहुंच जाता है, पन्नालाल और फूलचंद के पास पहुंच जाता है, और दोनों से कहने लगा कि मामाओं, बात क्या है, मुझे ये बताओ, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो पन्नालाल और फूलचंद कहने लगे कि बेटे, क्या बताएं तुझे, हम महाराज प्रथम के दरबार में कुछ भेंट लेकर के गए थे, परंतु महाराज ने हमें बजाय इनाम के मौत का फरमान जारी कर दिया है, मृत्यु दंड जारी कर दिया है। तो राजा नल कहने लगे कि ये तो महाराज ने बहुत गलत काम किया है, महाराज ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या कारण है? तो सेठ कहने लगे कि जब हम जहाज पर गए थे तो वहां हमें समुद्र के तट पर ये गोट और एक मोचरी मिली थी, हम इसको महाराज की सेवा में ले गए तो महाराज ने ये कहा कि इन गोटों के साथ की गोट लाओ, इनको पूरी कीजिए, ये अधूरी हैं, 16 गोटी करो इनको, 15 गोटी और लाओ, और इसके साथ की एक दूसरी मोचरी लाओ, ये मोचरी भी एक है। अब तो जब हम इसे करने में सक्षम नहीं हुए तो महाराज ने आदेश जारी कर दिया कि 6 महीने में यदि तुम
इन गोटों को नहीं ला सके तो तुम्हें परिवार सहित मृत्यु दंड मिलेगा। अब तो श्रोताओं, राजा नल जो कि चार कला से अवतार था, क्षत्रिय योद्धा था, राजा प्रथम का पुत्र था, वो विचार करके सेतों से कहने लगा। देखिए श्रोताओं, यहाँ कुछ गायक कलाकार भी बहुत अच्छा गाते हैं, एक लाइन मैं भी सुनाता हूँ आपको। हाथ जोड़ के राजा नल मामते बोलो बानी, बाई घाट पहुंचा दे ओ गोटन की मैंने जानी, गोटन की मैंने जानी। अर्थात तुम जहां से इन गोटों को लेकर के आए हैं, मुझे उसी घाट पर, उसी समुद्र के तट पर ले चलो, मामा मैं आपकी मदद करूंगा और गोटों को मैं लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। श्रोताओं, राजा नल की बात सुनकर के सेतों में कुछ दम बंधती है, कुछ हिम्मत बंधती है और वो जहाज को तैयार करते हैं। मन में विचार करने लगे कि यदि ये लड़का ही हमारा काम कर दे तो हो सकता है हमारे प्राण बच जाए। अब देखिए श्रोताओं, राजा नल तैयार हो जाता है, एक 16 वर्षीय युवक है और दोनों सेठ पन्नालाल और फूलचंद भी अपना जहाजी बेड़ा तैयार कर लेते हैं और अपने परिवार को छोड़ करके, अपनी माता मंझा रानी से विदा लेकर के, अनुमति लेकर के राजा नल कहता है कि माता मैं 6 महीने में वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी ही मामाओं की समस्या को हल कर दूंगा, मैं मोचरी और गोट दोनों ला करके इन्हें दे दूंगा। देखिए श्रोताओं, मंझा रानी तो सब कुछ जानती थी क्योंकि मंझा रानी स्वयं छत्राणी थी। मंझा को विश्वास था कि उसका पुत्र इस असंभव कार्य को भी जरूर कर देगा। तो मंझा रानी से अनुमति लेकर के राजा नल पन्नालाल और फूलचंद के साथ चल देता है जहाज में बैठ करके। चले जा रहे हैं, चलते चलते कई दिन का सफर करने के बाद उसी तट पर पहुंच जाते हैं। अब ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि अधिक लंबा वीडियो होता है तो उसे सुनने में भी बोरियत होती है, इसलिए ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और इसका अगला भाग बड़ा आनंददायक है, बड़ा इंटरेस्टिंग भाग है, भाग 5, वो कल आपकी सेवा में जरूर लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।